सोनभद्र, रहस्यमय तरीके से गायब लाखों रुपए का एल्यूमिनियम हुआ बरामद। 10 टन एल्यूमिनियम पुलिस ने किया बरामद। एल्यूमिनियम की अनुमानित कीमत 31 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 ट्रक व 1 कार भी पुलिस ने किया बरामद। 3 अंतरप्रांतीय आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कबाड़ के दुकान पर के लिए एल्यूमिनियम की तस्करी। पिपरी थाना क्षेत्र स्थित हिंडाल्को फैक्ट्री से गायब हुआ था एल्यूमिनियम। मामले का खुलासा एएसपी कालू सिंह ने किया। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। देखिए 31 जुलाई को वो रैनुकूट हिंडाल्को से एक ट्रक लगभग 30 टन एल्यूमिनियम की रोड्स थी उसके अंदर, उसको जाना था जेएसडब्ल्यू पुणे। उसी में एक गाड़ी थी जिसमें एक ड्राइवर और उसका एक साथ में जो था वो दोनों इस गाड़ी को लेकर निकल गए। मालिक को जो पता चला जिसने ये सामान बुक कराया था कि गाड़ी की लोकेशन वहाँ तक मिल रही है, उसके बाद नहीं मिल रही है। तो इस पर पिपरी पुलिस ने काफ़ी काम करा, सर्विलेंस एसओजी ने मिलकर काम करा था। काम करने के बाद दो लोगों को पीछे पकड़ कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पहले इसमें जेल भेजा जा चुका है। बाकी की फिर लोकेशन मिली तो आज फिर दो गाड़ियां ट्रक दो ट्रक मिले हैं आज हमको, और उसके अलावा एक I-20 गाड़ी है और एक स्कॉर्पियो पहले जा चुकी है, और 10 टन माल भी बरामद है। और आज हमारे पास में 2-3 अभियुक्त हैं, अजमत, फजल और इस्माइल, इनको जेल भेजा जाएगा। इसमें विद्यासागर और वसीम दो पहले जेल जा चुके हैं, और इसमें अभी 3 वांछित और हैं हमारे, वारिस, राजा ड्राइवर और ओम सिंह। और जो मूल गाड़ी थी जिससे सामान लेके गए थे, इसको टेम्परिंग किया गया था, वह गाड़ी भी अभी बची है, उसकी बरामदगी भी शेष है। जल्द ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बरामदगी भी कर ली जाएगी। कितने का माल पकड़ा गया है? 10 टन आज पकड़ा गया है। कीमत कितनी? 31 लाख के आसपास की कीमत है इसकी। केंद्रपुर में भी अपराधी की इतिहास है, यही काम करते हैं मुंबई में, यही काम करते हैं। MIDC जगह है जहां पर माल को खपाने का कबाड़ियों के पूरा मार्केट है, जो कि आप पहुंचाए नहीं और बिकने में देर नहीं लगती है। वो पूरा ग्रुप यही काम करता है इनका। हाँ, पूरा ग्रुप ही यही काम करता है, इस तरह की बुकिंग लेने के बाद निकल जाते हैं।